कर लें, क्योंकि उनको जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है। पाप को बढ़ा देते हैं, उड़ता पाप को कम करना चाहिए, मृत्यु करीब आ रही, इन पाप को बढ़ा देते हो। लेकिन परीक्षित महाराज ने एक महापुरुष का, अपने गुरु जी का खोज किया। कितने ऋषि मुनि आके बैठ गए, लेकिन परीक्षित को पता था इसमें मेरा गुरु नहीं है। जब सुखदेव आए, सुखदेव के आजू बाजू छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां सुखदेव के पीछे पीछे चल रही थी, और सुखदेव गोस्वामी को तो इस संसार से कोई लेना देना नहीं था। तब परीक्षित ने जब सुखदेव को देखा, बोले यही मेरे गुरु जी, यही मुझे भागवत सुनाई। क्योंकि सुखदेव के शरीर में 32 प्रकार के चिन्ह थे, नगरोध परिमंडल उसको कहते हैं, एनाटॉमी या मतलब शरीर के चिन्हों से आप पहचान सकते हैं कौन महापुरुष। उसके 5 अंग बड़े होते हैं, 5 अंग छोटे होते हैं, उसका आवाज़ गंभीर होता है, घुटनों तक हाथ पहुंचते हैं, महापुरुष के कई कई लक्षण होते हैं। और सुखदेव की आंखें तो बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों की तरह बिल्कुल कान तक जा रही थी, ऐसे आंख खोल के बंद हो रही तो ऐसा लगता है कि कमल बंद हो रहा है, कमल की पंखुड़ियाँ खिल के बंद हो रही। तो परीक्षित और सुखदेव का वर्ण भी कृष्ण जैसा था। क्यों वर्ण उनका कृष्ण जैसा था? क्योंकि राधा रानी दोपहर के समय में, राधा रानी सुख को अपने हाथ में बिठा के सुख को कहती थी कि कृष्ण के स्वरूप का तुम स्तुति करो, वर्णन करो, और वो सुख राधा रानी के हाथ के ऊपर बैठ के कृष्ण 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 रक्षमाम, कृष्ण 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 पाहिमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण पाहिमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव पाहिमाम। ऐसे कृष्ण के गुणगान करते करते वो सुखदेव भी ब्लू हो गए, नील हो गए, घनश्याम कृष्णमय हो गए। जब हम भगवान का अतिशय चिंतन करते हैं तो भगवान के गुण हमारे में भी आ जाते हैं। जैसे आपने वो देखा है क्या, इसको निकाल लीजिए, चलेगा बंद करो। एक वो होता है सिल्क वर्म, सिल्क वर्म को क्या, ये कीड़ा होता है, कीड़ा जिससे सिल्क बनता है, रेशम का कीड़ा, वो रेशम का कीड़ा वो अंदर बंद बैठता है, लेकिन अपने आप सोचते रहता है मैं कभी पतंगा बनूंगा, मेरे पंख कभी आएंगे, मैं कभी उड़ूंगा। तो उसका चिंतन इतना बढ़ता जाता है कि सचमुच में उसके पंख आ जाते हैं और उड़ने लगता है। उसी प्रकार जो कृष्ण का चिंतन करता है, जो भागवत सप्ताह को सुनता है, उसका कृष्ण का चिंतन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उस कृष्ण के सब गुण उसके अंदर आ जाते हैं। सर्वगुणै तत्र समासतेषु हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा। लेकिन जो भागवत नहीं सुनता है उसके पास एक भी अच्छा गुण नहीं हो, वो संसार में बड़ा जेंटलमैन हो, दूसरों के प्रति बड़ा दयालु हो, दूसरों को दान कर्म करेगा, बहुत मीठे मीठे शब्द बोलेगा, लेकिन वो अगर भगवान का भागवत नहीं सुनेगा तो श्रम एव ही केवलम, क्या फायदा है उसके मिठास का, उसकी दया का। अरे किसी को हम भोजन देंगे कल वापस भूखा होगा, किसी को हम दवाई देंगे वापस रोगी होगा, वापस पुनर्जन्म लेके और तड़पेगा वो। तो ऐसी दया कीजिए जीवों पे कि वो जीवों का पुनर्जन्म ही नहीं होगा। केवल भोजन मत दीजिए, प्रसाद दीजिए उनको।
प्रसाद खाएंगे तो आत्मा का प्रगति होता है। तो इस प्रकार से, और ये भागवत का प्रसाद सबसे पहला प्रसाद है, पहले कान से खाना है बाद में जीभ में मिलेगा आपको। भागवत का प्रसाद पहले कान से श्रवण करना है ये अमृत को। तो इसलिए भागवत का श्रोता और भागवत का वक्ता दोनों में गुण जरूरी है, नहीं तो रसाभास हो जाएगा। तो इसीलिए भागवत का श्रोता या वक्ता अगर भागवत कथा करेगा धन संपत्ति कमाने के लिए, तो अगर वो नियम फॉलो करेगा तो उसको धन संपत्ति मिलेगा भागवत कथा सुनने से। इसे ये टाइम हम भागवत कथा इसलिए कर रहे हैं कि अगले साल राधा माधव मंदिर के छत में कोई हॉल नहीं रहना चाहिए। अगले साल कोई भक्त का अभिषेक नहीं होना चाहिए। ओम भागवत करने से सब समृद्धि आ जाएगी यहाँ राधा माधव मंदिर में। और अगले साल तक मंदिर बन जाएगा। हाँ सनत प्रभु, जो भी सहायता करना चाहते हैं कृपा करके सनत प्रभु और लोचन दास प्रभु को, बहुत साल से वो प्रयत्न कर रहे हैं मंदिर को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी भागवत कथा हो गई तो यहाँ लक्ष्मी का वास हो गया, राधा रानी का वास हो गया, भगवान का वास हो गया, तो अभी सब कुछ पूरा हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं पूरा कर दूंगा। तो ये दिव्य प्रेम और रस का आदान प्रदान है भागवत सप्ताह, जो जो ध्वनि श्रोता के मुख से निकलती है और वक्ता के और जो श्रोता के कान में जाती है उसके बीच में भगवान प्रकट होते हैं भागवत सप्ताह में। और भागवत सप्ताह के शुरुआत में श्रोता और वक्ता दोनों को अपने गुरुजियों का प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से ही हम भागवत बोल सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम का हमने पोथी यात्रा किया, सम्मान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, प्रसन्न मन से भागवत को सुनना चाहिए। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भगवान के साथ योग कभी होगा जब हम भागवत प्रसन्न मुद्रा में सुनें। और जैसे मौन, भागवत सुनने के टाइम मौन होंगे तो और अच्छा है। और दूध या खीर खाना चाहिए भागवत सप्ताह में, जैसे लोचन दास जी पूरे 7 दिन खाली फल खाने वाले हैं। कहाँ गए लोचन दास? वहाँ गए हैं, सबके लिए 56 भोग बनाएंगे लेकिन खुद वो फल खा रहे हैं 7 दिन तक। तो अल्प आहार करना चाहिए। और भागवत 7 दिन सुनने के समय में हो सके तो जमीन पे सोना चाहिए। ये सब वक्ता श्रोता के नियम है। नरम नरम गद्दी पे जो सोता है वो छोटा मोटा हिरण्यकश्यपु हो जाता है, क्योंकि हिरण्य और कश्यपु, हिरण्य मतलब सोना और कश्यपु मतलब नरम गद्दी। तो जब नरम गद्दी पे सो जाते हैं, एक्चुअली नरम गद्दी पे सोना है वो पीठ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत नरम गद्दी पे सो जाएंगे तो आपकी पीठ खराब हो जाएगी। आजकल लोगों को पीठ का दुखता है क्योंकि बहुत नरम गद्दी पे नहीं सोना है। तो इसलिए, और 7 दिन तक आपको घर में भी क्रोध मत कीजिए, लोभ मत कीजिए। क्रोध को कौन छोड़ देगा 7 दिन तक? सब लोग छोड़ देंगे। सब पत्नियां खुश हो जाएंगी, अभी हमारे पति का क्रोध, पति भी खुश हो जाएंगे। तो महीने में हर दिन भागवत होना चाहिए, एटलीस्ट गुस्सा तो बंद हो जाए। तो 7 दिन तक गुस्सा मत कीजिए, लोभ मत कीजिए, और 7 दिन तक भागवत का जो कथा सुना है जितना उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए।
और जागरण, ये भागवत सप्ताह ऐसे शुभ दिन में आई है कि ये भागवत सप्ताह का आखिरी दिन वो पांडव निर्जला भीम एकादशी है। तो उस दिन तो पूरी रात सप्ताह हो सकती है, लेकिन मेरा गला में, क्योंकि निर्जला एकादशी में रात आप पानी नहीं पिएंगे। पानी, वो भीम था, वो भीम के पेट में ऐसी अग्नि जलती थी, ऐसी कि एक चीज खा लेता था उसको दूसरी चीज खाने की इच्छा होती थी। एक घंटा भी वो भूखा नहीं रह, 10 मिनट भी भूखा नहीं रह सकता है। इसलिए भीम का नाम था वृकोधरा। क्या नाम था? वृकोधरा, मतलब भीम के पेट में विशाल अग्नि जल रही थी। तो भीम रोते 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 वेद व्यास जी के पास गया। भीम बोला, हे वेद व्यास, मैं 24 घंटे की बात छोड़ी एक घंटा भी भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, मैं एकादशी कैसे करूँगा, हाय 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 मेरा क्या होगा, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष आ जाता है, पूरे ब्रह्मांड का पाप आ जाता है, और मैं खाऊंगा, मैं भगवान का इतना परम वैष्णव हूँ भीम, तो भी मैं एकादशी नहीं करूँगा, लोग मेरे को निंदा करेंगे, मेरी लांछना करेंगे कि मैं पंच पांडव होके भी एकादशी नहीं कर रहा हूँ। रोने लगा, उसने वेद व्यास जी के चरण पकड़ लिए, बोले आप कुछ उपाय बताइए। वेद व्यास जी बोले, एकादशी करने नहीं करने का तो कोई उपाय नहीं, गला एकादशी करनी ही पड़ेगी और कोई उपाय नहीं। तो भीम ने बहुत विनंती किया। बाद में वेद व्यास जी ने कहा, ठीक है, साल में एक एकादशी आती है, जून जुलाई के महीने में, ज्येष्ठ रथ यात्रा के पहले, हाँ, उस एकादशी में अगर तुम जल भी नहीं पियोगे तो तुमको पूरे साल की 24 एकादशी का फल मिलेगा, और 24 एकादशी में कुछ भंग हो गया है तो वो भी सब समान हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, कई कई भक्त लोग 3 बजे उठ के 2 लीटर पानी पी लेते हैं, क्योंकि एकादशी है वो सूर्योदय से चालू होती है, सूर्योदय से लेके दूसरे दिन सूर्योदय तक, सनराइज टू सनराइज। इसलिए दशमी के दिन, एकादशी के दिन सूर्योदय, सूर्यास्त के पहले भोजन करने का रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेट खाएंगे दशमी के दिन तो हमारे मुंह में अन्न का दाना रह जाएगा, और फिर एकादशी के दिन हम खाट में से उठेंगे तो वो दाना पेट में चला जाएगा। तो एकादशी भंग हो जाए, इसीलिए दशमी के दिन में दांत अच्छा ब्रश करके भोजन जल्दी ले लेना चाहिए, दशमी को बहुत लेट को नहीं खाना चाहिए। बल्कि कई कई लोग जो असली एकादशी करते हैं वो दशमी को एक बार खाते हैं एकादशी को, और पूरी रात भर जागरण करते हैं, और द्वादशी के दिन एक बार खाते हैं दोपहर को, और फिर सूर्यास्त होने के बाद सो जाते हैं, वो असली एकादशी है, लेकिन कलयुग में वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन एटलीस्ट भीम एकादशी कीजिए। जो पानी पिए बिना नहीं रह सकता है वो खाली पानी पी के रहिए, जो पानी पीने के साथ भी नहीं रह सकता है वो नारियल का पानी पी के रहिए, उससे भी जो नहीं रह सकता है वो खाली फल खा के रह सकते हैं, और फल खा के भी नहीं रह सकता है वो दूध पीजिए, लेकिन उससे आगे मत जाइए। आप इस स्टोव गैस के ऊपर बनाएंगे तो फिर वो भीम एकादशी नहीं होगी, कितना भी साबूदाना फराड़ और सब बनाएंगे कुकिंग हो जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते तो वो भी कीजिए, लेकिन अन्न मत खाइए। तो वेद व्यास जी ने हाथ ऊपर किया, भीम को बोला, एकादशी करो, एकादशी करो, एकादशी। तो इस प्रकार से ये भागवत के श्रोता और वक्ता की महिमा मैंने आपको बताया है। अभी भागवत महात्म्य जो पद्म पुराण में है उसके आखिरी अध्याय में हम जाते हैं।
इसमें भागवत को सुनने का क्या फल मिलता है ये बताया गया है। जो भागवत सप्ताह को सुनता है, भागवत के एक एक अक्षर को सुनता है, उससे उसको एक एक ब्राउन कलर की गाय को दान में देने का फल मिलता है। मतलब देसी गाय, ये जर्सी गाय नहीं। भागवत का एक एक अक्षर जो सुनता है उसको एक देसी गाय दान में देने का फल मिलता है। जो भागवत सप्ताह को बहुत एकाग्रचित होकर सुनता है उसको 1,000 गाय देने का फल मिलता है। और जो प्रहलाद महाराज जैसे भागवत को सुनता है बहुत ही मग्न होकर, वो तो कली के प्रभाव से परे हो जाता है। भागवत को जो घर में रख के जो इसके पूजा करता है, आराधना करता है, उसके घर में सब देवता आके रहते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके घर में कोई भय नहीं आ सकता है। भगवान कहते हैं जो अपने घर में भागवत को रखता है, जिसके घर में भागवत आ जाता है उसके पूर्वज पितृलोक में वो घी मधुपाक मिठाई वो बड़े अच्छा अच्छा प्रसाद खाने लग जाते हैं, अपने आप उनको फल मिल जाता है। और जो भक्ति से भागवत दूसरे को देता है, भागवत की कथा देता है या भागवत का ग्रंथ देता है, वो सनातन काल तक वो गोलोक धाम में चला जाता है। जो भागवत की पूजा करता है उसके घर में एक कल्प 864 करोड़ साल तक भगवान हरि रहते हैं। भागवत की जो पूजा करता है, भागवत का एक पूरा श्लोक के आधा श्लोक का एक चौथा श्लोक भी अगर कोई अपने घर में रखता है, पूरा 18,000 श्लोक को छोड़ दीजिए, भागवत का एक चौथा श्लोक भी कोई अपने घर में रखता है तो उसके घर में कोई और साहित्य रखने की जरूरत नहीं। करोड़ों करोड़ों साहित्य वैष्णव शास्त्र सब भागवत में आ जाते। जिसके घर में कलयुग में भागवत नहीं है, जो भागवत सप्ताह सुनता नहीं है,